दोस्तों, तो पुरानी वीडियो तो आपको याद ही होगी, मेरे ये डॉल्स के शूज वाली वीडियो, जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि मैंने अपने ये डॉल्स के शूज को कैसे पेंट किया है, जैसे कि ये ब्लैक वाला या फिर ये वाइट या फिर ये क्रीम वाला। तो फिर मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने डॉल के शूज को खुद ही पेंट कर सकते हो। तो मैं पेंट करने वाली हूँ ये वाला सैंडल। तो चलिए डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से नेल पेंट से इसको पेंट करना है। आई थिंक हमें इसे येलो पेंट से पेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट कोट। जैसे ही सूख जाएगा मैं इस पर सेकेंड कोट लगाऊंगी। जब तक ये सूखता है आप मुझे बताइए कि इन सारे नेल पेंट्स में से आपका फेवरेट कलर कौन सा है। इस सैंडल में मैं कर चुकी हूँ फर्स्ट कोट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं दोबारा से इसको सेकंड कोट करके दिखाऊंगी और इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो दोस्तों, हमारी ये सैंडल येलो कलर की पेंट हो चुकी है और ये अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है, बहुत डिफरेंट भी लग रही है। क्योंकि मैक्सिमम सैंडल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बारबी के साथ आते हैं जो, वो पिंक या रेड कलर के होते हैं, बट अब ये सैंडल येलो कलर की हो चुकी है बिकॉज ऑफ हमारी ये प्यारी सी नेल पेंट। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट कलर जो है वो मैं ये करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अब हम ये ब्लू वाला कलर करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी डॉल के पास आई डोंट थिंक सो कि कोई ब्लू सैंडल है और ये कलर थोड़ा यूनिक भी है और मेरे पास कोई भी ऐसे कलर का सैंडल नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये वाला कलर करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट कलर लिखना बिल्कुल मत भूलना, और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपका फेवरेट कलर ही अपने डॉल के सैंडल में करूं। ये फर्स्ट कोट में भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रहा है, जैसे आप देख सकते हो। दोस्तों, ये वाला जो सैंडल है ये एक लोकल बारबी, लोकल डॉल मैंने खरीदी थी 200 रुपीज़ की, उसके साथ आया था। ये तो बहुत ही अच्छा पेंट हो गया है, इसमें मुझे सेकेंड कोट की कहीं से ज़रूरत ही नहीं लग रही है, और लाइट कलर्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें सेकेंड कोट करने की। और ये कम्प्लीटली ब्लू हो चुका है, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है वहाँ पे मैं कर रही हूँ, बाकी ऑलमोस्ट ये ब्लू हो चुका है। तो आई थिंक ये फर्स्ट कोट ही काफ़ी है, अब मैं सेकेंड वाले सैंडल को पेंट करने जा रही हूँ। दोस्तों, अब हम करने वाले हैं एक पार्टी रेडी सैंडल तैयार हमारी डॉल के लिए। जो ये गोल्डन कलर है इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा पहले ये रेड कलर का था, और अब हम कर रहे हैं इस पे ये गोल्डन कलर। ये शूज है, इसका बेस रेड है एंड इसमें गोल्डन बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। ये देखिए, ये रेड शूज अब कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है और कितना डिफरेंट भी लग रहा है। आप चाहो तो ऊपर से आप ग्लिटर भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बट वो धीरे धीरे थोड़ा झड़ता रहता है, इसीलिए मुझे नेल पेंट ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो दोस्तों, अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, और अब सूखने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसा लगता है। दोस्तों, फाइनली ये है वो नेल पेंट वाले शूज़ जो मैंने आज पेंट किए थे। आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। मुझे तो सबसे प्यारा ये येलो वाला लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनानी चाहिए। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।